प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमा हमीद, यू पी एस एड पला से, क्लास चौथी, मज़मून उर्दू, मौजू गांधी जी। पेज 46 पे आपका लेसन है गांधी जी, ये आज हम पढ़ेंगे। सरगर्म, वकालत, सत्याग्रह, लीडर, दस्तकारी। गांधी जी का असली नाम मोहनदास था, वालिद का नाम करमचंद था, इसलिए उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। आप 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के गांव पोरबंदर में पैदा हुए। लोग आपको महात्मा गांधी और बापू के नाम से भी याद करते हैं। गांधी जी ने इब्तदाई तालीम पोरबंदर में ही हासिल की। बाद में आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए, वहां बैरिस्ट्री पास की और फिर वापस लौटकर यहां वकालत का पेशा अख्तियार किया। लेकिन कुछ मुद्दत के बाद गांधी जी जनूबी अफ्रीका गए, जहाँ वो नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ सत्याग्रह नामी पुरामन तहरीक चलाने में मसरूफ़ हुए। इस दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। इंसान दोस्ती की इसी जदोजहद के लिए वो मशहूर हुए। जनूबी अफ्रीका से वापसी पर गांधी जी हिंदुस्तान की सियासत में सरगर्म हुए। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की तारीख में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1942 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। अवाम ने आज़ादी के नारे में उनके साथ आवाज़ मिला दी। बिलाहिर 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। गांधी जी ने सादा ज़िंदगी बसर की। वो बहुत बड़े इंसान दोस्त लीडर थे। वो फ़िरका परस्ती के नसूर के ख़िलाफ़ थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। उनकी खास तालीम थी, उन्होंने रवादारी और भाईचारे को कायम रखना सिखाया। गांधी जी रंग व नस्ल, ज़ात पात और भेदभाव के सख्त मुहालिफ थे। उनका मानना था कि अगर गांव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा, इसीलिए उन्होंने गांव और मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू दस्तकारियों पर जोर दिया। चरखे को उन्होंने बड़ा रवाज दिया, वो खुद भी चरखे पर सूत काटते थे। 30 जनवरी 1947 ईस्वी में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उस वक़्त गोली मार दी जब वो इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह हमारा मुल्क एक बड़े रहनुमा से महरूम हो गया। तो बच्चों, ये हमारा जो लेसन है गांधी जी के, गांधी जी का आपने नाम सुना होगा, तो उनका नाम, गांधी जी का जो असली नाम था वो था मोहनदास। वालद, उनके वालद का नाम करमचंद था, इसलिए उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। तो उनके वालद का नाम करमचंद था, इसीलिए उनका जो नाम था गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। तो गांधी जी 2 अक्टूबर 1769 ईस्वी में गुजरात के गांव 1800 ईस्वी में गुजरात के गांव पोरबंदर में पैदा हुए। तो गांधी जी जो थे वो 1869 ईस्वी में गुजरात के गांव था, उसका नाम था पोरबंदर, वहाँ उनकी पैदाइश हुई। तो लोग आपको महात्मा गांधी और बापू के नाम से भी याद करते हैं। तो गांधी जी को लोग किस नाम से याद करते हैं? बापू के नाम से याद करते हैं। गांधी जी ने इब्तदाई तालीम पोरबंदर में ही हासिल की। जो गांधी जी की इब्तदाई तालीम थी, मतलब शुरू की जो तालीम थी, उन्होंने कहाँ हासिल की? पोरबंदर में ही हासिल की। बाद में आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। तो बाद में जो उनकी तालीम थी वो कहाँ चले गए? इंग्लिस्तान चले गए, वहाँ बैरिस्ट्री पास की और फिर वापस लौटकर यहाँ वकालत का पेशा अख्तियार किया। तो जब इंग्लिस्तान पहुँचे तो उन्होंने बैरिस्ट्री पास की, फिर वहाँ से वापस लौटकर उन्होंने वकालत का पेशा अख्तियार किया। कुछ मुद्दत के बाद गांधी जी जनूबी अफ्रीका गए। तो कुछ मुद्दत के बाद वो कहाँ गए? जनूबी अफ्रीका, जहाँ वो नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ सत्याग्रह नामी पुरामन तहरीक चलाने में मसरूफ़ हुए। तो उन्होंने क्या किया, मतलब नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह नामी पुरामन उन्होंने तहरीक चलाने में मसरूफ़ हुए। इस दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। जब उन्होंने नाइंसाफ़ी और जुल्म पर आवाज़ उठाई, तो उसी दौरान उन्होंने बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इंसान दोस्ती की इसी जदोजहद के लिए वो मशहूर हुए। तो इंसानी दोस्ती की इस जदोजहद के लिए वो क्या हो गए? मशहूर हुए। जनूबी अफ्रीका से वापसी पर गांधी जी हिंदुस्तान की सियासत में सरगर्म हुए। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
जब जनूबी अफ्रीका से वो वापसी गांधी जी हिंदुस्तान की सियासत पे सरगर्म हुए, पुरजोश हुए, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की तारीख में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1942 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की, तो उन्होंने 1942 ईस्वी में उन्होंने एक तहरीक चलाई, उसका नाम रखा हिंदुस्तान छोड़ दो। तो अवाम ने आज़ादी के नारे में उनके साथ आवाज़ मिलाई, जो अवाम थी उन्होंने भी आज़ादी के नारे उनके साथ में उन्होंने भी आवाज़ उठाई। बिलाहिर 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो जब उन्होंने आवाज़ उठाई उनके साथ लोगों ने मिलकर, तो 1947 ईस्वी में क्या हो गया, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। गांधी जी ने सादा ज़िंदगी बसर की, वो बहुत बड़े इंसान दोस्त लीडर थे, वो फ़रका परस्ती के नासूर के ख़िलाफ़ थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, उनकी खास तालीम थी। जो गांधी जी थे वो सादा ज़िंदगी बसर करते थे और इंसान दोस्त लीडर भी थे, तो वो फ़िरका परस्ती के नासूर के ख़िलाफ़ थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, उनकी खास तालीम थी। उन्होंने जो भी ये कहा कि हिंदू मुस्लिम जो भी है, सिख है, ईसाई है, तो वो क्या है, आपस में भाई भाई हैं, उनकी उन्होंने क्या दी, तालीम दी। उन्होंने रवादारी और भाईचारे को कायम रखना सिखाया, तो उन्होंने रवादारी भाईचारे को कायम रखने के लिए उन्होंने क्या किया, ये भी सिखाया। गांधी जी रंग व नस्ल जात पर और भेदभाव के सख्त मुहालिफ थे। गांधी जी जो थे वो उन्होंने रंग नस्ल जात पर और भेदभाव के सख्त मुहालिफ थे। उन्होंने मतलब उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी रंग नस्ल या जात पर नहीं मतलब क्या करेगा, मतलब ये नहीं करेगा कि ये मतलब इस रंग का है, गोरे रंग का है, या रंग नस्ल ये इस मतलब क्या है, इस जात का है। तो उन्होंने ये भी उसके क्या थे, ये मुहालिफ थे। उनका मानना था कि अगर गांव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। तो उन्होंने ये भी क्या किया, उन्होंने ये भी माना कि अगर गांव खुश होंगे, गांव के लोग या गांव खुश हो रहेंगे, तो मुल्क भी क्या होगा, खुशहाल होगा। इसलिए उन्होंने गांव और मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू दस्तकारियों पर जोर दिया। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, गांव और मुल्क की तरक्की के लिए जो घरेलू दस्तकारी है उन पर ज़्यादा जोर दिया। चरखे को उन्होंने बड़ा रवाज दिया, वो खुद भी चरखे पर सूत काटते थे। चरखा जो था, जो हमारा पहला जो रवाज था, उन्होंने उस पर भी बड़ा क्या किया, बड़ा रवाज था, उन्होंने खुद भी उस चरखे पर क्या किया है, सूत काटते थे। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उस वक़्त गोली मार दी जब वो इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उस वक़्त क्या किया, गोली मार दी जब वो इबादत मतलब अपनी इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह हमारा मुल्क एक बड़े रहनुमा से महरूम हो गया। तो इसी तरह जब उनको गोली मार देगी तो उस हमारा जो मुल्क है वो रहनुमा से क्या हो गया, महरूम हो गया।